एंड वेलकम टू माई चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। सो अभी बज रहे हैं 1:30। लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और आज मैं इतना लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी बाकी के जो दो वीडियोस गए थे अभी वो हेयर केयर के ही गए थे, सो उसमें बिजी थी। और अभी एक जाने वाला है, वेडनेसडे को आ जाएगा। अभी एडिटिंग करनी है एक वीडियो की, वो पेंडिंग है। एडिटिंग करने के बाद में आज कुछ बनाना है। अरे भाई क्या, तुमको भी बातें करनी है? हाँ इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, तुमको भी बातें करनी है। एडिटिंग करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके और उसके बाद में बनाएंगे आज कुछ स्पेशल। क्या होने वाला है स्पेशल वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज काफ़ी ठंड हो चुकी है एक्चुअली। परसों के दिन बारिश हुई थी और राजस्थान में भी आई थिंक हुई थी बारिश, तो उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ठंड को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम बनाने वाले हैं आज बाजरे की टिक्की। यस, नॉर्थ में बाजरे की टिक्की बहुत खाई जाती है, इनफैक्ट जयपुर साइड में काफ़ी लोग बनाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसे भी सर्दियों में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है इस वजह से, और मैं सामान मंगा के मैंने रखा हुआ है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि बनानी है, मुझे बनानी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज डिसाइड किया है कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे को बाजरे की टिक्की बना के रहनी। ये रहे रहे, देखो 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 देखो, अरे देखो देखो देखो, ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है। सो इस वजह से अभी थोड़ा सा रेस्ट करके एडिटिंग वगैरह करके मेरे को बनानी है बाजरे की टिक्की। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और उसका जो प्रोसेस है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, आप देख लीजिएगा किस तरीके से बनती है। सो ये है, चलिए अब बाकी का काम कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है ये एक ग्लास पानी है और यहाँ पर ले लिया है मैंने गुड़। सब कुछ अंदाजे से लिया है, ऐसा कुछ मेज़र करके नहीं लिया है। सो एक ग्लास पानी लेना है, एक ग्लास से ज़्यादा नहीं लेना पानी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने गुड़ जो कि देशी गुड़ है, और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मीठा ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो आप गैस फ्लेम को करते हैं ऑन। और इसको पानी को बॉईल करने के लिए रख देते हैं और जब ये थोड़ा सा बॉईल होने पे आ जाएगा तब इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। कि यहाँ पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़। तो ये लीजिए, तो ये लीजिए, इसमें जा रहा है गुड़। धीरे धीरे करके डाल देना है। और इस गुड़ को अब ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब ये मेल्ट हो जाए बस इतना ही इसको पकाना है। बस ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा और हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। अभी बस 2 मिनट के अंदर, ये 2 से 3 मिनट में मेल्ट हो जाएगा पूरा और जो हमारी चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर से वापस टाइट होने लग जाएगा ये, इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। देखिए बहुत जल्दी डालते ही एकदम ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये देशी गुड़ है, शायद इसीलिए इसका इतना ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पर ले लिया है बाजरे का आटा, ये भी अंदाजे से लिया है मैंने, ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास होगा ये, 1 किलो से ऊपर नहीं होने वाला ये। सो 1 किलो ले लिया है यहाँ पर बाजरे का आटा और उसके साथ में ही यहाँ पर ले लिया है हमने ये सेसमे सीड यानी कि तिल ले लिए हैं जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं तिल। तिल काफ़ी अच्छे रहते हैं सर्दियों में खाना, तो ज़रूर खाने चाहिए तिल। तो अब इस तिल को अच्छे से इस आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे, आप हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो गुड़ था वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। बस अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है, वरना ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, इसलिए इसको अभी बंद कर देते हैं गैस को। ये हमारा सिरप तैयार है। तिल मैंने इसके अंदर मिला दिए हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ तिल का तेल यानी कि सेसमे ऑयल ऐड करने जा रही हूँ। अंदाजे से करूँगी, बहुत थोड़ा सा ऐड करना है जिससे ये चिपके नहीं, बस इतना सा ही ऐड करना है।
अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। सो ये है, बस इतना सा ऑयल करना है इसको अच्छे से। और अब बस जो हमने सिरप तैयार किया था, चाशनी जो तैयार की थी, वो इसके अंदर डाल दी है। धीरे धीरे करके डालनी है, एकदम से चाशनी इसके अंदर ऐड नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी गर्म है, इसलिए धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसको बाइंड करते जाएंगे। और जैसे अपन रोटी का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट इसमें आटा लगाना है। ये जो चाशनी हम ऐड कर रहे हैं, इसको बिल्कुल गर्म गर्म मत डालिएगा, थोड़ा सा गुनगुनी रह जाए तब इसको डालिएगा, अदरवाइज हाथ जल सकता है। सो धीरे धीरे करके डालते जाइएगा और इसको मिलाते हुए जाएगा, एकदम गर्म मत डालिएगा वरना ये आपका हाथ जला सकती है। ये थोड़ी गुनगुनी है, इसी तरीके से आपको बाइंड करते हुए जाना है। जो चाशनी हमने बनाई थी उसी के अंदर इसको बाइंड करना है, अलग से ठंडा पानी या कुछ और इसमें ऐड नहीं करना है। ये जो हमारा आटा है वो रेडी हो चुका है, हमने लगा दिया है आटा। और अब इसके बाद में हम इसकी टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से लेनी है, ये लोई लेनी है आपको, और हाथ से ही इसको ठेपना है। जितनी बड़ी करनी चाहें उतनी बड़ी कर सकते हैं, जितनी छोटी चाहें छोटी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टिक्की बना के रख लेनी है। तो यहाँ पर ये टिक्की जो है हाथ से थेप के मैंने तैयार कर दी हैं। अब बस इनको तलना बाकी रह गया है, इनको फ्राई करना बाकी रह गया है, तो चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने के लिए सेसमे ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि तिली के तेल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तिल का जो तेल होता है वो घी के बराबर ही होता है। सो यही टाइम है आप तिल का तेल जो है अच्छे से खा सकते हो, इसलिए यहाँ पर मैंने ये तिल का तेल ले लिया है। आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब डालना स्टार्ट करते हैं। और गैस फ्लेम को अभी लो ही रखना है जब आप वो करेंगे, क्योंकि अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से ये जल जाएंगी, तो इसलिए आपको स्लो फ्लेम पे ही इसको तलना है। ये देखिए इस तरीके से आपको सेक के सारी की सारी तैयार कर लेनी है ये पूरी तरीके। तो लीजिए गर्मा गर्म बाजरे की टिकिया तैयार हैं, और इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली, रूम टेम्परेचर पर रखिए इसको, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। सो बाजरे की जो टिकिया थी वो बन चुकी हैं और काफ़ी सारी बनी हैं, ऑलमोस्ट 15-20 दिन के लिए हो गया है हमारा। सर्दियों में कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है, सो इसलिए बनाई थी। और बाजरा खाने का ये बेस्ट तरीका है, अगर आपके बच्चे बाजरा नहीं खाते हैं सर्दियों में, बाजरे की रोटी नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से उनको बाजरा जो है वो खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बाजरा, सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होते हैं। तो बच्चों को बड़ों को सभी को बाजरा खाना चाहिए, सो इसलिए मैंने बना दिया। मुझे एक्चुअली बहुत पहले बनानी थी लेकिन मैं टाइम नहीं मिलने के कारण इनको नहीं बना पाई, थोड़ा सा लेट हो गई, कोई नहीं। अभी वैसे भी दिसंबर एंड चल रहा है तो यही सही टाइम है बाजरा खाने का, सो इसलिए हमारी तो बाजरे की टिकिया बन चुकी हैं। आप भी बना के देखिएगा, अगर आपको सर्दी आपके यहाँ बहुत अच्छी पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है, तो आपको बाजरा खाने में, बाजरे की रोटी खाने में थोड़ा सा बनाने में दिक्कत लगती है, तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। इसको बनाने में भी फ्रेंकली स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बन जाती हैं, हाथ बहुत दर्द करने लग जाते हैं क्योंकि हाथों से इसको थेप के बनाना पड़ता है, सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन टेस्टी होती हैं और हेल्दी भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं, सो इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई होप मेरा ये वीडियो, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।